नदी को पुनर्जीवित के लिए सौंपा ज्ञापन। जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर समाधान दिवस में आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने स्याना तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवगत कराया। ग्राम चिठेरा और कनोना के बीच नीम नदी की भूमि पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है और आज के हाल यह है कि नीम नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र का पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। अगर इसके चलते नीम नदी को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो ये इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं का जाती है तो अगले महीने आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि नदियों की साफ सफाई के लिए लाखों रुपये की धनराशि आती है, आखिर वो कहाँ जाती है? नदियों की साफ सफाई तो दूर की बात है, कोई अधिकारी सुनने को भी तैयार नहीं है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, जब जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन देने चाहा तो स्याना तहसीलदार मलखान सिंह ने ज्ञापन लेने में भी हिचकिचाहट महसूस की। आखिर कब तक नीम नदी की साफ सफाई के पैसे की कागजों में खाना पूर्ति होती रहेगी? आखिर कब देगा शासन इस पर ध्यान? रिपोर्ट निजाम बनी। खत्म हो गई है क्योंकि जो उसकी ज़मीन थी उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया और उसमें पानी आना बंद हो गया है। हमारा कहना यह है शासन और प्रशासन से कि नीम नदी के अस्तित्व को पुनर्जीवित किया जाए। अगर इस क्षेत्र को राजस्थान बनाने से बचाना है, रेगिस्तान बनाने से बचाना है, तो आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है कि अगर उन्हें बर्बादी से हमें बचाना है तो हमें यह करना पड़ेगा कि कुछ ना हो, इस नीम नदी के अस्तित्व को हम बचाएं। हमारा कहना यह है अधिकारियों से कि भाई आप इसको जो अवैध कब्जा कर रखा है इसको तुरंत हटवाया जाए। पिछले कई सालों से जो 50 लाख रुपए इसकी साफ और सफाई के लिए आया है उसकी जांच कराई जाए कि कहां सफाई हुई है। कोई सफाई दो पैसे की नहीं हुई है, क्योंकि आरटीआई की सूचना है जिसे मैं बता रहा हूं, लगभग 50 लाख रुपए साफ नदी की साफ सफाई के लिए आया है। वो पैसा गया तो कहां गया? या तो अधिकारियों ने खा लिया, या तो नेताओं ने खा लिया, या जो खाने वाले हैं उनके खिलाफ़ जाँच हो और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे, जिन लोगों ने इस नदी को घेर रखा है, इस ज़मीन को घेर रखा है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाए, उनको जेल भेजा जाए, जिससे कि जो आने वाला समय है उसमें दोबारा कोई उस पर अवैध कब्जा करने की हिम्मत ही न करे। और इस प्रोग्राम पे आज हमारा खानपुर थाने पे और नरसेना थाने पे दोनों पे ज्ञापन दिया जा रहा है और बड़ी लड़ाई अगले महीने हम लोग अक्टूबर महीने में प्याना कलां से लेके और बीबी नगर तक हम पदयात्रा करेंगे, जिसमें कम से कम 250 लोगों को लेकर हमारा चलने का प्रोग्राम है। एक जन जागृति अभियान चलाएंगे जिसमें आम जनता को ये पता चले कि आम आदमी पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। ये एक जिंदगी का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। ये मांग है, इस सवाल पर हम ये बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद।